लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज को आगे पढ़ रहे हैं, जहां सबकी भर्ती परीक्षा में प्रश्न आना पूरी तरह से संभावित है। जैसे विविध के 30 अंक, सामान्य अध्ययन के 10 अंक, 10 नंबर साइंस के, 50 नंबर की सीरीज प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव चलती है, जहां पर हम आपके साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस कार्यशाला निःशुल्क राष्ट्रहित में देशहित में एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपना बेस्ट देते हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप प्रतिदिन रात 9:30 बजे इस तरह की क्लास में जुड़े रहेंगे, आगामी शिक्षा भर्ती में आपका एक स्थान पूरी तरह से फिक्स होगा। चलिए बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप वास्तव में सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कि साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर, क्योंकि आज हम लोग भारतीय संविधान जो आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के साथ साथ आपके जूनियर और प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में है, वहां पर एक छोटा सा टॉपिक है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक हिस्सा होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। तो आज हम लोग उस अध्ययन में पढ़ेंगे न्यायपालिका। चलिए बिना देरी की आपके सामने डिस्प्ले पहला प्रश्न दिख रहा है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कितने स्तर की अदालतें होती हैं। सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करेंगे और अपना जवाब देंगे। गलत या सही सभी के जवाब आने जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इस प्रश्न में अगर ये पूछा जाए कितने स्तर की है, तो एकदम सही कुछ लोगों ने बताया है, जी हाँ, 3 स्तरीय व्यवस्था है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, अगर हम शीर्ष पर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट है, प्रांतों में देखा जाए, राज्यों में देखा जाए तो जिसे अन्य अदालत है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यस्सी, ये सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके बाद यस्सी है, फिर अगर नीचे देखा जाए तो भारत में न्यायपालिका एक स्वतंत्र स्तंभ है, जो कानून के अनुसार विभिन्न स्तरों पर भारत के जनता को उसे न्याय दिलाने का काम करती है। शीर्ष अदालत दिल्ली में है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालयों के नीचे जिला अदालतें हैं। क्या है? जिला अदालत है, जिला अदालत है। इस प्रकार भारतीय में 3 प्रकार के इस न्याय व्यवस्था है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पूरा अध्याय समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ क्योंकि आप लोग जुड़े रहिएगा, एक बेहतर सीरीज आपके लिए है। ठीक, चलिए, हाँ, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर है, आज के टॉपिक है न्यायपालिका। आगे बढ़ रहे हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच, लक्षद्वीप का उच्चतम न्यायालय भारत के किस राज्य में है? सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि आप लोग वास्तव में सरकारी शिक्षक बनने के योग्य हैं और उसके करीब हैं, इसलिए अपनी योग्यता का परिचय अपने उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, चाहे उत्तर गलत आए चाहे उत्तर सही आए, लेकिन प्रश्न का जवाब सभी को देना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी करनी है। तो सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करें। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी के जवाब आने चाहिए, चाहे वो जवाब गलत हो चाहे वो जवाब सही हो, सभी साथियों के, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहां पे जब हम, जैसे यहां पर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा। लक्षद्वीप की बात करें तो छोटा सा द्वीप है जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप किसके पास है? हम देखते हैं यहाँ पे केरला है। क्या है? केरल है। तो इसका मतलब, अगर थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस हमें क्या करना था, इतू सा दिमाग लगाना था और ये जानना था कि लक्षद्वीप भारत किस राज्य के सबसे नजदीक है। तो आपने देखा, आपने जाना कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो किसके नजदीक है? बताइए भाई, आप लोग सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो केरल के, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? केरल होगा। केरल यहां पर है। अब और राज्यों का परिचय आपको जानना है तो जानते रहिएगा कि यहाँ पे ये तमिलनाडु है, फिर ये क्या है? तमिलनाडु है। फिर ऊपर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश है, ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। फिर आपके ऑप्शन में कर्नाटका, ये आपका कर्नाटका है, लेकिन यहाँ पर उत्तर जो होगा वो क्या होगा? केरल। इसका उत्तर क्या होगा? केरल। इसलिए जितने लोगों ने यह प्रश्न दिया है, जितने लोगों ने प्रश्न को बताया है, उनके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बहुत अच्छा लगा।
ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या हो जल्दी से कमेंट कर बताइए आप लोग, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका ही सिलेक्शन है। आज क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है यहाँ से प्रायः कन्फ्यूजन रहता है लोगों से, उत्तर देने में प्रायः गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में आपसी गलती ना होने पाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में इनका मिलान करना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, मालिक पहले शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं गलत से सभी लोग को जवाब देना है। यार आप लोग का जवाब नहीं देंगे कौन जवाब देगा यार, बताइए। देखिए यहां पर आपको बात ध्यान देना है कि जो पांडिचेरी है इसका नाम पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी का न्यायालय कहां पर है? देखिए पुदुचेरी अगर हम यहाँ पे मैप बनाते हैं, काम करते हैं थोड़ा सा मैप बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अध्ययन करने में ये आसानी होगी। देखिए जब हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे यनम है, पुदुचेरी है, कराईकल है, माए है, चार जगह फैला है, ज्यादातर इसका है तमिलनाडु के पास है। इसका मतलब ये मद्रास उच्च न्यायालय में है। कहाँ पे आता है ये? आपका मद्रास उच्च न्यायालय में आता है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, ठीक है, तो बताइए कहाँ पर है ये? कलकत्ता के अंतर्गत आता है। कहाँ पे ये? कलकत्ता के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप केरल में, दमन द्वीप मुंबई में। तो एकदम आसान है, जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। जिनको साफ नहीं दिख रहा है, बफरिंग हो रहा है, वो यहाँ पर वीडियो के पीछे तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। यह वीडियो चाहे फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश या यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश पर आप निःशुल्क देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि आज की क्लास लेने के बाद न्यायपालिका से कभी भी जीवन में आपका सवाल गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, जिस जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिक प्रश्न है, मैं ये चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं, वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि जो जिला के सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी मित्र जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी कमेंट करिए, गलत या सही जवाब दीजिए, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए यहां पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राज्यपाल के द्वारा। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये भारत के संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें तो 233 में इसका वर्णन है। राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। किससे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, या उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि प्राय लोग यहाँ से गलती कर देते हैं। किसकी सलाह पर? उच्च न्यायालय की सलाह पर। कौन करता है? भारत राज्य का राज्यपाल करता, उस राज्य का राज्यपाल करता है। संविधान का अनुच्छेद 233 में इसका वर्णन। आगे बढ़, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्माण को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? सभी साथी मित्र जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे, जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए सभी साथी, देखिए मेरा आपसे बार बार निवेदन है, आपको सवाल का जवाब चाहे गलत हो चाहे सही हो जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है ठीक वो केवल केवल सिलेक्शन लेना है। मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा आप सिलेक्शन के करीब पहुंचिए। क्या आपको लग रहा है मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ? तो यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपके आत्मा में ये लग रहा है कि नहीं दुर्गेश सर निःशुल्क क्लास आपके लिए बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो यार लाइक करने के बाद लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है? कर भला तो हो भला, इतनी कम संख्या रहती है, मुझे जो उपयुक्त विकल्प होगा वह अनुच्छेद 223 ए अधिकरण संबंधित उपबंध करता है। ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 100, यह बात भी आपको अच्छी तरह से जानते रहना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले, आप लोग ऐसे रहिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायिक
पुनरीक्षण आधारित है किसके द्वारा, सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी मित्र जरूर जवाब देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आज की टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है न्यायपालिका। सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सीरीज है जहां से आपके भर्ती परीक्षा में हूबहू प्रश्न आते हैं सीधे सीधे। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है करके। चलिए देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर का जानने का प्रयास करते हैं। विधि के सम्मत शासन पर, विधि के प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्ण निर्णय के आधार पर। देखिए जितने भी ये पावर है, अगर हम इन पावरों की बात करें तो ये सभी जो पावर है आपके, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो हमें ये पावर दिख रहे हैं, जो हमें पावर समझ में आ रहे हैं, वे सभी पावर विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है। ये संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि को अनुच्छेद 145 के अधीन उपबंधों में रहते हुए उच्चतम न्यायालय अपने सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता। इसके आधार पर, किसके आधार पर? अनुच्छेद 145 के आधार। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है और उसके पास शक्ति है। उच्चतम उच्च न्यायालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा मूल अधिकार के उल्लंघन के निर्णय या आदेश का भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प होगा वह शीस का राइट आंसर होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें कौन हटा सकता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा ये कौन हटा सकता है। एक प्रश्न है, एक आसान सा प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, बताइए फटाफट कमेंट करके। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, मत शेयर करिए वीडियो को, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना, आपको नौकरी करनी है, किसी को देना नहीं है। तो आपको या आपको जवाब देना है, गलत होगा सही होगा लेकिन जवाब जरूर देना चाहिए। मेरा ये खुद का व्यक्तिगत मानना है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन हटा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, राष्ट्रपति अपनी ओर से विशेष बहुमत पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो सही था वो ए था। जिन साथियों ने प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन लोगों ने एकदम सही बताया है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, कोई भी न्यायाधीश अपने पद पर तब तक उसे नहीं हटा जा सकते जब तक उसके ऊपर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव, ठीक, कोई भी प्रस्ताव, जी हाँ आपने एकदम सही सुना, कोई भी प्रस्ताव संसद के सदस्य की पूर्ण बहुमत या उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनके कम से कम 2/3 उससे पारित कर दें और उसे राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा और राष्ट्रपति ने अगर आदेश दे दिया तो उसे उसके अपने पद से हटाया जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वीडियो एकदम साफ चल रही है, अगर जिसको बफरिंग हो रही है अपना रिफ्रेश लेगा, ठीक है, अपने नेट को सही दुरुस्त करा लेगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके बीच, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। काफी आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हां, सभी लोग गलत या सही आपको जवाब देना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन जो लेना है, इसलिए आप लोग बिना डरे बिना किसी समस्या का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए ध्यान से आप हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ पे आप लोगों ने एकदम सही बताया है कि संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया है। तो जितने लोगों ने
इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, केवल उनके जवाब सही है। कुछ लोग कह रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, जी नहीं। इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त तो सबसे सही विकल्प जो है वह आपका सी, इसका राइट आंसर है। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब ठीक। किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर हमसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पता है इस उच्च न्यायालय को पढ़ने के बाद, भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद एक बात हमें समझ में आ गया, अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, कितने भी ईमानदारी से अच्छी चीजें पढ़ाएंगे तो ना लोग शेयर करने इच्छुक होंगे ना लाइक करने पे, क्योंकि लोगों के आज के समय में झूठी चीजें, गुमराह करने वाली चीजें अगर आ जाए तो वो तेजी से लोग वायरल करते हैं, तेजी से लोग शेयर करते हैं। लेकिन ईमानदारी से और उन तथ्यों को पढ़ाता हूँ लेकिन फिर भी मेरी क्लास में संख्या कम रहती है। मुझे इस बात का जरा भी तकलीफ नहीं है, लेकिन बस इस बात की खुशी है अच्छे लोग प्रतिदिन टाइम से पढ़ने के लिए 9:30 बजे लाइव सेशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का दुख है मुझे आपको शेयर करने कहना पड़ता है। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो, कितना, 1 वर्ष से अधिक का, 2 वर्ष से अधिक का, 3 वर्ष से अधिक का, 4 वर्ष से अधिक का। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे विकल्प में नहीं है, ये आईपीसी का है इसलिए इस प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं। ये आईपीसी का सवाल है, ठीक, आईपीएल का नहीं है, आईपीसी का है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। अगर देखा जाए तो सीआरपीसी का है, सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का मामला है इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है चारों विकल्प में इसका गलत है। इसका जो उत्तर होगा सीआरपीसी की धारा है 374 है ना, सॉरी 374 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक का, 7 वर्ष या अधिक, ठीक है, इसमें चारों विकल्प गलत है, इस सीआरपीसी का सवाल है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जितने लोग को प्रतिदिन क्लास में पढ़ना है ईमानदारी से वो 9:30 बजे सभी आ जाएंगे। टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क आपके लिए चलते। ठीक, चलिए चलिए, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, विधायिका। देखिए हमारे यहाँ शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, केंद्र की अगर विधायिका की बात करें तो जो कानून बनाने का काम करती है संसद है, और ये राज्य का विधानसभा है। राज्य क्या है, ये विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभा। इनका काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और ये क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका क्या है, ये सरकार द्वारा या कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए, लेकिन इनका काम क्या है, कानून बनाना, इसे व्यवस्थापिका कहते हैं। कार्यपालिका काम है संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाना, लेकिन यदि इस कानून को कोई उल्लंघन करता है उसे दंडित करने न्यायपालिका करती है। इसके भी 3 स्टेज हैं, कौन कौन, यहाँ पे देखिएगा शीर्ष पर कौन है, SC सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है, हाई कोर्ट, तीसरे स्थान पर कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसके 3 स्तर हैं और सबसे शीर्ष पर अगर देखा जाए तो इस तरह से है, इसी के ये सब अनुसरण करते हैं, इसी क्या होता है, ये सभी न्यायालय अनुसरण करते हैं। इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह डी प्रश्न का राइट आंसर होता है। मूल अधिकारों को संरक्षक की भूमिका न्यायपालिका को माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, डी का राइट आंसर है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के निहित सिद्धांतों के ऊपर रखा है। ये प्रायः वाद सुनने को मिलते हैं, मैं यहां पर कीमती वक्त आपका नहीं जाने दूंगा। गोलकनाथ का मामला, केशवानंद भारती का मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला, ये एकदम यूनिक प्रश्न है जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए हमें केवल इन्हीं पर टारगेट करना है। ठीक, चलिए और हम आगे देखते हैं। यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्य,
1967 में यह मामला आया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह 20 का सही जवाब होगा, 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुतों लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत बताया, ऐसा नहीं है, केवल केशवानंद भारती बना पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी बंद असंवैधानिक है, सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले केरल राज्य, केरल ने 1997 में भरत कुमार के परीक्षा बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया, इसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि भी की थी। ठीक, वीडियो एकदम साफ चल रहा है, जिसकी बफरिंग हो रही वो अपना नेट अपडेट करा ले। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, पिछले क्लास में कुछ लोगों ने पूछा था कि सर न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कौन सा कानून कहते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी मित्र कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको न्यायपालिका को पढ़ना पड़ेगा, या आपके पाठ्यक्रम में है, चाहे आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, इसे हम निर्णय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाया गया कानून को निर्णय विधि कहा जाता है। यही विधि अपना स्थान लेती है तथा अन्य मामलों में निर्णय देने में प्रयोग किया जाता है। इसी की जो विधि होती है इसी को अन्य मामलों में निर्णय देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे निर्णय विधि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे साथ देते रहिएगा, मत लाइक करिए मत करिए, लेकिन यकीनन आप सफल जरूर होंगे, एक दिन इस चैनल से आप गवर्नमेंट अध्यापक के अध्यापिका जरूर बनेंगे। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्य के लिए एक निर्वाचक याचिका निर्णय करने का अधिकार किसको है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, राज्य के लिए निर्वाचक याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। चलिए यहाँ पे ये भारत संविधान अनुच्छेद 327 में इसका वर्णन किया गया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधित समस्त विवादों के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन को छोड़कर सभी का, बताइए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचन संबंधित समस्त विवाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन को छोड़कर सारे शक्तियां के सारे निपटारे कौन करेगा, बताइए उच्च न्यायालय। क्या करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी। आज अगर यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता तो यह उच्चतम न्यायालय होता, ये उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह शीर्ष का राइट होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। साथी फटाफट कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताइए। इसका वर्णन अनुच्छेद 220 किया गया है, संविधान का अनुच्छेद 220 में किया गया। उस उच्च न्यायालय में जिसमें वो सेवा निवृत्त हुए, उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। उच्चतम न्यायालय में काम कर सकता है, भारतीय किसी भी न्यायालय में वकील का काम कर सकता है, उच्च न्यायालय में, लेकिन वह यहां पर उसे अनुमति नहीं होती। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यस्सी का न्यायाधीश
कहीं भी वकील नहीं बन सकता। एक बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को है, बसरते उस न्यायालय को छोड़कर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी लगाया था उन सभी के जवाब सही थे। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर यहाँ से आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, न्यायालय अस्थायी न्यायाधीश पद पर आसीन रह चुका हो उसे अन्य न्यायालयों को छोड़कर भारतीय किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस का कार्य कर नहीं करेगा। जिस न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा है उस उच्च न्यायालय में भी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के नियुक्ति सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जरूर जवाब देंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करते रहें, दिए गए प्रश्न का जवाब देते हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चाहे आप लोग बेशक शेयर ना करें, बस बेशक लोगों तक मत पहुंचाइए, लेकिन आप लोग ऐसे अपना बेहतर देते रहिए। ठीक है, बाकी किसी भी क्लास के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। सभी क्लास की लिंक आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, सभी क्लास की लिंक। और सप्ताह में 2 दिन, शनिवार, आने वाला शनिवार और आने वाले रवि आपके लिए कर, वो होगा 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1963 में। यहां पर इनकी आयु जो बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दी गई। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प सी इसका राइट आंसर है, सी प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा, देखिए अभी ये नया डाटा आया है इसलिए इसको छोड़ देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं बताइए, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं बताइए। बताइए से पहले कमेंट करके, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। देखिए यहां पर थोड़ी सी आप लोग को जानना होगा कुछ बातें जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहले क्या था कि 25 न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, लेकिन अब 30 प्लस 1 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर हाल ही की बात किया जाए तो वर्तमान समय में ये संख्या बदल चुकी है, अब ये नया आंकड़ा चुका है, अब ये संख्या 33 प्लस 1 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 33 प्लस 1 हो चुकी है। ठीक, जिसमें से, जी हाँ, 1965 में 1900 संशोधित किया गया, अब CJI के अलावा न्यायाधीश संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर इनकी संख्या अब कितनी कर दी गई है? 30 प्लस 1 कर दी गई है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब कितनी हो गई? 33 प्लस 1, अब कितनी हो गई है? 34। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया था सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए ऑनलाइन किसी भी समस्या के लिए, क्लास नोट्स, किसी भी जानकारी के लिए आप ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद में है, सिराज हिंद के, और ये हमारी क्लास पूरी तरह से देश हित में चलती है। कितने बजे? 9:30 बजे। अन्य और बहुत सारी क्लासेज हैं जो शिक्षक भर्ती स्पेशल के लिए चलती हैं, उन सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, मैंने ऊपर पढ़ाया था। अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान से देखा होगा,
इस प्रश्न को ध्यान से समझा होगा, यकीनन आप इस प्रश्न को तुरंत हल कर लेंगे यहाँ पर भारत के किसी भी न्यायालय में। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाते हैं, वो भारत के किसी भी न्यायालय में, जी हाँ, वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह सकता है, लेकिन यहाँ के लिए यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जितने लोगों ने बी बताया था उन सभी के जवाब सही थे। कितने वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए सभी लोग कमेंट करके फटाफट। देखिए यहां पर एक बात आप सभी को जानना होगा जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर कम से कम की बात किया जाए तो 15 वर्ष, कम से 15 वर्ष ना, नहीं 10 वर्ष है, कुछ लोग तुरंत सही बता दिए 10 वर्ष है। आइए इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, कैसे भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को वह किसी भी उच्च न्यायालय में 2 या 10 से अधिक उच्च न्यायालय या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और अन्य अर्हताएं दूसरे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकती है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 उपखंड 3 में इसका वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता हो, इन सभी अर्हताओं का अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 15 नहीं होगा, ठीक है। 5 वर्ष क्या है, वो किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हो सके आपके काम में आ जाएगा। अगला है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है, तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग को सभी को लाइव देना पड़ेगा, बताइए फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे सभी साथी फटाफट कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चलिए अगर आप नहीं देंगे तो हमारा उद्देश्य है क्या क्या होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी पद के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर सही है। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए राष्ट्रपति के नजर में। यह भी सही है, तो गलत क्या है, ये यहां पे उसकी उम्र की कोई भी बाउंडेशन नहीं है और जो गलत है वही आपकी सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको बी लगाना पड़ेगा। क्या होगा बी, क्योंकि यहां पे उसे भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक है, वह किसी भी उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है यदि वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो गलत है वही सही होगा, बीस प्रश्न का राइट आंसर है। और आप सभी को अगर एक सरकारी शिक्षक बनना है इस प्रश्न को समझे रहिएगा, एकदम हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे आएंगे, ठीक है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारत के न्यायालय और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक प्रश्न है। जितने लोग सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं वो सभी जवाब देंगे, यहां पे गलती हो जाए परीक्षा हाल में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनना है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, ध्यान से प्रश्न पढ़े, ठीक, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, ये चाहे जूनियर की तैयारी करो प्राइमरी के लिए, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए
आप सभी लोग बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगे रहिएगा। देखिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प होगा, कुछ लोग कहते हैं अपीलीय अधिकार, परामर्श अधिकारिता, संवैधानिक अधिकारिता, लेकिन भारतीय संविधान में अगर ये देखा जाए केंद्र और राज्य के बीच मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैसे, ये मौलिक अधिकारिता संविधान का जो अनुच्छेद है वह 131 के अंतर्गत आता है। भारत को राज्य के बीच विवाद का निपटारण करने की शक्ति मौलिक अधिकारिता, अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ये दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कर भारत सरकार राज्यों के अन्य राज्यों के साथ विवादा को निपटारा शक्ति को जो निपटारा करने की शक्ति होती है, पावर होती है, उसे ही मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। संविधान एक के अंतर्गत आता है, समझ में आ गया सभी को। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ए होगा। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर ए दिया ठीक है, जिनका नहीं ए था वह लोग यहां पे इस प्रश्न को जान लेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, एकदम यूनिक प्रश्न है, मैं चाहूंगा आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, चाहे गलत चाहे सही सभी साथ ही इसका जवाब देंगे कमेंट के माध्यम से, जल्दी फटाफट कमेंट। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, फटाफट कमेंट करिएगा, लाइक शेयर बाद में करिए, पहले सिलेक्शन लेना है आपको, बताइए। देखिए भारतीय संविधान का अगर अभिरक्षक की बात की जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वह है भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यह न्यायपालिका का सर्वोच्च है, अन्य न्यायालयों को स्वीकार किया गया है। अगर यह विकल्प देखा जाए यहां पर होता सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम, विकल्प न होने की दशा में हम लोग विकल्प बी करेंगे, किसका, विकल्प बी का चयन करेंगे। क्यों, भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक है वो उच्चतम न्यायालय है, अन्य उच्च न्यायालय भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था हृदय, जबकि उच्च न्यायालय जो है ये सभी अनुच्छेद 226 के तहत अभिरक्षक है, ये मूल अधिकार को लेकर है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो इसकी यहां पे ध्यान दीजिएगा, का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधित मामलों में संविधान की व्याख्या शामिल हो सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैंने पढ़ाया है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय से माननीय किस राष्ट्रीय मुद्दे पर सार्वजनिक हित के मामले पर परामर्श मांग सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला आया पर कोर्ट ने यह कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है उसे मानने न मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। और यह कौन सा अधिकार क्षेत्र होता है, यह सलाहकार न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी मित्रों, भविष्य के इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, यह बात इसे परामर्शदात्री अधिकारिता के तहत परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं बाध्य, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, सिलेक्शन ले रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लेकर बैठे प्रतिदिन 9:30 बजे। सभी साथी फटाफट करिए, संविधान की व्याख्या कौन करता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए वीडियो साफ चला, अपना नेट आप लोग चेक कर लीजिएगा, अन्य किसी भी समस्या के लिए आप ई लर्निंग का नंबर, हमारी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है 9:30 बजे डेली, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, शिक्षक भर्ती की स्पेशल बैच। देखिए संविधान की व्याख्या कौन करता है एक बड़ा सवाल है,
तो संविधान की व्याख्या की अगर हम बात करें, विधानमंडल नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति कौन करे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बताया एकदम सही, न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। व्याख्या करने का सबसे ज्यादा अगर अधिकार है तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे जिनमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हेतु भेजने की व्यवस्था की गई। इसके लिए तीन अनुच्छेद है, अनुच्छेद 132 या 228। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा मुकदमा उसके पास आता है जहां पर संविधान की व्याख्या की बात आती है, वो तुरंत उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी, जी हां, एकदम सिलेक्शन वाले प्रश्न है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याता कौन है? इस प्रश्न का जवाब आप देंगे। हम इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब आपको ही देना है। आप कमेंट करके बताइए अंतिम व्याख्याता कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय? एकदम वीडियो मेरे यहां साफ चल रहा है, वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं जितनी बार चाहे। देखिए, प्रश्न का उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। डी प्रश्न का पुनः सही जवाब होगा। अरे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अच्छे बच्चों को पढ़ने दीजिए। यह कमेंट करने के लिए सोशल मीडिया का अड्डा नहीं है, यह आपको आपके अभिव्यक्ति करने के लिए, आपको सिलेक्शन के लिए बनाया गया है। मेरा निवेदन है, यहाँ पे इंजॉय करने का अड्डा मत बनाइए, वरना टेक्निकल टीम आपको रिमूव कर देगी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। किसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको शिक्षक बनना है तो आप लोग को ऐसे प्रश्न को जवाब जरूर देना होगा। सभी साथी जरूर से कमेंट करके जवाब देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी मित्र जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, और इसमें शीर्षस्थ अपीलीय न्यायालय है। इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक दिए गए हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए, अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? मैंने इसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, बताइए। देखिए, ये भी अनुच्छेद 132 में है। अनुच्छेद 132 में अपीली उच्चतम न्यायालय का यहां पे जिक्र किया गया है। तो यहां पर अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है, एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है और परीक्षा वाला भी प्रश्न है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है। तो उच्चतम न्यायालय एकदम, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। जिला न्यायालय के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, बस उच्च न्यायालय के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीली परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, मूल अपीली परामर्शदायी क्षेत्र, क्या प्राप्त है? देखिए, मूल अधिकारिता, मूल अधिकार क्षेत्र, ये किसमें है? अनुच्छेद 131 में। अपीली अधिकार, अपील करने का भी मैंने ऊपर बताया था, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्तर पर है, यह है आपका अनुच्छेद 132। परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र, परामर्श देने का, अनुच्छेद 143।
माने इसे राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति परामर्श मान सकता है सुप्रीम कोर्ट से, जिस प्रकार राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। भारत सरकार एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों या अन्य मामलों को मूल अधिकार में रखता है 131 के तहत, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वो डी का राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे, देखिए मूल अधिकार अधिकारिता 131 में आता है, जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए। अपीली अधिकार अपील शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय 132 में, परामर्शदात्री 143 में। क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? भैया सलेह लेना है आपको, मेहनत करिए, निवेदन है आपसे, अपने माँ बाप की उम्मीद को पूरा करिए, अपने सपनों को उड़ान भरिए, समय है आपका। इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। फिर मिलेंगे हम लोग। उच्चतम के मुख्य न्यायाधीश की उम्र क्या है कमेंट करके बताइएगा। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके 9:30 बजे प्रतिदिन। ऑनलाइन संबंधित यदि कोई जानकारी हो, क्लास नोट संबंधित, तो यहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में निःशुल्क आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। डेली क्लास, अन्य क्लासेस की भी टाइम है, यूपीटेट, सीटेट, ईबीएस, मैट्रिक्स, हिंदी। जल्द ही आपको प्रत्येक रविवार, शनिवार और रविवार समसामयिक की करंट अफेयर, जी हाँ, आने वाले करंट 9:30 बजे लाइव रहेगी। आप सभी साथी, अपने सभी साथी मित्रों के साथ, जितने लोग को सरकारी शिक्षक बनना है सभी लोग लाइव आ जाया करिए। इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम नहीं, क्योंकि मुझे भी विद्यालय भी रहना होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अधिकतम उम्र क्या? देखिए याद रखिएगा, उम्र सीमा देखिए एससी की है 65 वर्ष, ठीक है, एससी की, और एससी की है 62 वर्ष। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है कमेंट करके बताइएगा। औपनिवेशिक भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक संघीय अदालत की स्थापना किया गया था, ठीक। और दिल्ली में भारत 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करके, उच्चतम न्यायालय कब बना था? 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो डेली क्लास होती है 9:30 बजे, एकदम व्याख्या रूप में हम आपसे पढ़ाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान समय में भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी साथी हैं। भारत की पहली महिला जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी, लीला सेठ। लोक अदालत क्या होता है? कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालत बना गया है। भारत में संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षक उच्च न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले बाकी न्यायालयों को मान्य होते हैं। याचिका का न्यायिक क्षेत्र क्या होता है? कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, समाधान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 32 अनुच्छेद 222 क्या किसी को पता है? 222 क्या है? 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरण करना, माने एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना, 222। 228 क्या पता है? इंपॉर्टेंट है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरे का स्थानांतरण करना है। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जो आपको प्रश्न के माध्यम से नहीं बता पाए थे, तो यहां पे समझा दे रहे। संविधान का अंतिम व्याख्या स्तंभ न्यायपालिका है। 226 क्या है? ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछने वाले हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। यदि कोई नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान के 226 के तहत सीधा कहां जा सकता है? हाईकोर्ट। और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार संबंधित सभी मामले
भारत सरकार की ओर से भारत के महान न्यायवादी रखते हैं। कौन रखते हैं? भारत के महान न्यायवादी रखते हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती है, 9:30 बजे सब लोग लाइव आ जाएंगे। प्रत्येक रविवार शनिवार करंट अफेयर आपके लिए चलेगी। मेरा प्रश्न था भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, सभी साथी कमेंट करके इसका जवाब जरूर देंगे। उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। और आप सभी लोग निःशुल्क क्लास देशित में राशित में लेने के लिए एकदम टाइम से आप लोग लाइव आ जाया करिएगा। ठीक है, और आप सभी को इतने आर्टिकल्स याद करने होंगे और मेहनत करने होंगे जैसे हमने मेहनत किया है। अभी तो आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, उन सभी रास्तों पर आपको आगे चलते रहना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। मेरा खुद का इंस्टाग्राम है, दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ सकते हैं। हमारी खुद की यूट्यूब चैनल है बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश, जो गरीब बच्चों के लिए बनाया है। लेकिन इलर्निंग विद दुर्गेश एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें आप लोग तक जोड़ने में मदद करता है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, लेकिन वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो वीडियो को चैनल को छोड़ दीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी अच्छे लोग पहली बार में शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण अग्रति में और अपना एक स्थान निश्चित कर विद्यालयों की तरफ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, सभी क्लास की लिंक, नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगी पूरी तरह से निःशुल्क। बाय बाय, चलते हैं तब, जय हिंद। कोई सवाल नहीं ना आपका? ठीक है, बाय बाय। हाँ, ये नंबर रख लीजिएगा, हो सकता है कभी काम आ जाए आपके।